नमस्कार दोस्तों, सभी को मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस धनबाद में पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के 143 रेगुलेशन के अंतर्गत पूछी गई थी। 143 में प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट के संबंध में पूछा गया था। प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट की जो की नंबर और कीवर्ड है दोस्तों, जो 15 पॉइंट में रेगुलेशन में दिया हुआ है, उसको हम लोग एक एक शब्दों के रूप में ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कीवर्ड और की नंबर के रूप में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रेस्पिरेबल डस्ट के बारे में, पहली पॉइंट में जिक्र किया है दोस्तों। उसमें लिखता क्या है कि ऑनर एजेंट मैनेजर डस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करने और डस्ट को सप्रेस्ड करने के लिए स्टेप्स उठाएंगे। ये जो पॉइंट है क्या कहता है कि ऑनर एजेंट मैनेजर क्या उठाएंगे, स्टेप्स लेंगे कहे के लिए डस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए और डस्ट को सप्रेस्ड करने के लिए, सप्रेस्ड करने के लिए। डस्ट को मिनिमाइज हम लोग जनरेशन कम करके कर सकते हैं, डस्ट को उत्पन्न कम करके कर सकते हैं, मिनिमाइज करना। और यहां पर डस्ट को सप्रेस्ड करने के लिए हम लोग स्टेप्स यानी कि ऑनर एजेंट मैनेजर स्टेप्स लेते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, यहां पर रेस्पिरेबल डस्ट होती क्या है दोस्तों। मैं इस रेस्पिरेबल डस्ट को आर डी लिख दे रहा हूं दोस्तों। दूसरा चीज वर्ड है कि रेस्पिरेबल डस्ट क्या होता है, ये आपको समझना होगा दोस्तों। रेस्पिरेबल डस्ट यानी कि एटमॉस्फेयर में वह डस्ट जो ब्राउनी मोशन में या सस्पेंशन मोशन में होता है दोस्तों, जो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाती है, ट्रैक्ट होती है दोस्तों, ट्रैक्ट यानी कि पकड़ी जाती है, कैच की जाती है, वही डस्ट जो है क्या कहलाती है, रेस्पिरेबल डस्ट कहलाती है दोस्तों, रेस्पिरेबल डस्ट। ऐसा डस्ट जो एटमॉस्फेयर में ब्राउनी या इसी को ब्राउनी मोशन को ही जो है सस्पेंशन मोशन में रहती है और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी या उसी को कहते हैं ब्रीदिंग सिस्टम में इंटर होकर ट्रैप हो जाती है।
दोस्तों ये डेफिनेशन दिमाग में रखिए, इसमें दो तीन कीवर्ड हैं कि पहले पॉइंट में कहा है ऑनर एजेंट मैनेजर डस्ट को मिनिमाइज करने, डस्ट के जनरेशन को कम करने, डस्ट को सप्रेस्ड करने के लिए स्टेप्स लेंगे, और ये जो रेस्पिरेबल डस्ट है जिसकी डेफिनेशन वहां चर्चा नहीं की, मैं अपने से बनाया हूं दोस्तों इस रेस्पिरेबल डस्ट का डेफिनेशन। ऐसा डस्ट जो एटमॉस्फेयर में ब्राउनी या सस्पेंशन मोशन में होता है, ब्राउनी या सस्पेंशन मोशन मतलब दोस्तों कि एटमॉस्फेयर में जिगजैग मोशन में उड़ती हुई जो डस्ट होती है दोस्तों, ब्राउनी मोशन उसी को कहते हैं, सस्पेंशन मोशन जो तैरती हुई रहती है दोस्तों उसी को जो है ब्राउनी या सस्पेंशन मोशन कहते हैं। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मुंह और जो नाक है, माउथ और नोज है, उससे जो होती हुई सीधे लंग्स तक पहुंचती है, इसके बीच में जितने रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग सिस्टम कहलाते हैं, जो उसमें इंटर होकर के ट्रैप हो जाती है, ट्रैप मतलब कि रुक जाती है, वहीं पर फंस जाती है। दोस्तों ये हुई आपकी पहली नंबर पॉइंट जो कि रेगुलेशन 143 की रसब रेगुलेशन 1 थी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका क्लिक करना होगा तो ये राइट साइड वाली जो पॉइंट है मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको समझना है दोस्तों, अगर आप क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आएंगे दोस्तों, दूसरा सब रेगुलेशन पर, ठीक है दोस्तों। मिटाता हूं मैं इसको, अब यहां पे देखिए दूसरी पॉइंट जो है हमारी वो परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट कंसंट्रेशन की पूछी जाती है दोस्तों, चाहे वो सेकंड क्लास का एग्जाम हो चाहे फर्स्ट क्लास का एग्जाम हो, खास करके सेकंड क्लास और ओवरमैन और माइनिंग सरदार के एग्जाम में ये पूछी जाने वाली दूसरी नंबर की प्रश्न है दोस्तों, जो कि डायरेक्ट रिलेटेड होगी सेकंड क्लास ओवरमैन के एग्जाम में, लेकिन फर्स्ट क्लास के एग्जाम में भी उसी को घुमा करके किस तरीके से पूछेगा मैं अभी बताता हूं। पहले चलिए दोस्तों हम लोग जो है सब रेगुलेशन 2 की चर्चा कर लेते हैं, परमिसिबल लिमिट में क्या लिखता है कि यदि फ्री सिलिका जो है 5% से अधिक हो, जिसमें हम परमिसिबल लिमिट दूसरा नंबर की बात कर रहे हैं, दूसरा सब रेगुलेशन की परमिसिबल लिमिट की बात कर रहे हैं। इफ फ्री सिलिका इसको हम लोग रासायनिक सूत्र के रूप में Si2 कहते हैं, या इसी को हम लोग क्वार्ट्ज कंटेंट भी कहते हैं, QURTZ क्वार्ट्ज कंटेंट, क्वार्ट्ज कंटेंट भी कहते हैं। तो इफ फ्री सिलिका, ये अपान में समझिएगा दोस्तों, फ्री सिलिका या क्वार्ट्ज कंटेंट कहते हैं, 5% से कम है, 5% से कम है तो परमिसिबल लिमिट जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, सभी को याद ही होगा, 2 mg/m³ से अधिक नहीं होगी, ये अधिक नहीं का सिंबल है दोस्तों। ध्यान दीजिए कि ये सब लेटर्स जो हैं मेरे पढ़ाने के ट्रिक्स में हैं, जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट मेरे से पढ़ते हैं वो ऐसा एक अपना नोट्स बना करके जो यूट्यूब में डाउनलोड करता हूं उसका क्लिक ले करके अपने पास रख सकते हैं दोस्तों। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट लेटर्स हैं, PL मतलब कि परमिसिबल लिमिट, इफ फ्री सिलिका, SiO2 यानी जिसको कहते हैं क्वार्ट्ज कंटेंट भी कहते हैं, वो 5% से कम है तब परमिसिबल लिमिट जो है 2 mg/m³ से अधिक नहीं होगी दोस्तों। इफ सेकंड इसी में कहता है कि इफ फ्री सिलिका 5% से अधिक है, 5% से अधिक है, ये अधिक है का सिंबल है दोस्तों, तो परमिसिबल लिमिट जो है यही परमिसिबल लिमिट जो है 10 upon free silica कहता है दोस्तों, 10 upon free silica, ये ई होगा फ्री सिलिका।
अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये डायरेक्ट ऐसा प्रश्न तो ओवरमैन और सेकंड क्लास मैनेजर के एग्जाम में पूछेगी दोस्तों, लेकिन फर्स्ट क्लास के एग्जाम में यही चीज पूछ देती है कि यदि फ्री सिलिका 8% है, फ्री सिलिका 12% है, तो उस केस में परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आपको अगर 8% कहता है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास के दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर वाले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए आपको बना करके ऐसे तैयार रखना होगा अपने माइंड को कि एग्जाम्पल के लिए यदि 12% है, 12 इफ फ्री सिलिका 12%, देन परमिसिबल लिमिट इज क्वेश्चन मार्क। ये इस टाइप का प्रश्न आपको दिमाग में बना के रखना होगा दोस्तों। तो इस केस में इस फॉर्मूले में परमिसिबल लिमिट बराबर 10/12 करना होगा, 12% है तो। अब इसको भाग दीजिएगा दोस्तों तो ये जो है 12 × 96 होता है दोस्तों, तो 12 × 96 यानी कि 0.8 12 × 96 40 12 × 36 33 आने की संभावना है दोस्तों। तो परमिसिबल लिमिट 0.833 आपके ऑप्शन में इस तरीके से दे देगा कि 0.8 है, 0.83 है, 0.74 है, 1.2 है, 1.5 है, 2 ऐसा करके बढ़ा के दे सकता है फर्स्ट क्लास के दोस्तों। तो अब यहां पर आपको ऑप्शन चूज करना, इसलिए इस तरीके का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आपको याद करके रखना है दोस्तों। लेकिन 5% से कम सिलिका जब होती है, SiO2 होती है, फ्री सिलिका यानी क्या हुआ दोस्तों, एटमॉस्फेयर में उड़ती हुई सस्पेंशन मोशन में जो सिलिका रहती है, SiO2 रहती है, जिसके कारण से हमें सिलिकोसिस जैसी बीमारियां होती हैं जो कि नोटिफाइड डिसीज होती है दोस्तों, इसके लिए परमिशेबल लिमिट दी गई है दोस्तों। किस कितना नंबर में, अपना सब रेगुलेशन 2 में। अब यहां पर ये जो हम लोग डस्ट कंसंट्रेशन पता करते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में डस्ट कितना है, रेस्पिरेबल डस्ट, तो ये डस्ट कंसंट्रेशन जो पता करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द डस्ट कंसंट्रेशन। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम जो कि डस्ट कंसंट्रेशन को निकालने के लिए की जाती है दोस्तों, वो इंस्ट्रूमेंट्स है NCBMRE 113 ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर। और दूसरा है जो कि स्टेटिक एक जगह स्थिर रह करके इस इंस्ट्रूमेंट को से हम लोग जो है सैंपल कलेक्ट करने का काम करते हैं, और उससे हम लोग डस्ट कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर के पर क्यूबिक मीटर एयर में कितना है वो निकालने का कोशिश करते हैं दोस्तों। किसी क्लास में मैं NCBMRE 113 जो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर है उसका फिगर बना करके उसके पार्ट्स का नाम एक्सप्लेन करूंगा, शायद आपके एग्जाम में इससे पूछ सकता है फर्स्ट क्लास के एग्जाम में। अब यहां पर दूसरी जो सैंपलर है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपलर भी, यानी कि सैंपल लेने वाली यंत्र जिसका पर्सन टू पर्सन हम लोग उससे सैंपलिंग करते हैं, स्टैटिक सैंपलिंग नहीं करते हैं, वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है SIMPED। देखिए दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है, सेफ्टी इन माइंस पर्सनल डस्ट सैंपलर, इसका नाम है सेफ्टी इन माइंस पर्सनल डस्ट सैंपलर। अब ये जो पर्सनल डस्ट सैंपलर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी इन माइंस पर्सनल डस्ट सैंपलर, तो ये जो डस्ट सैंपलर है दोस्तों ये कैसी रखनी है, ये जो है सैंपल फ्रीक्वेंसी के बाद हम आपकी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो दूसरी नंबर पॉइंट है परमिशिबल लिमिट,
जो कि डस्ट कंसंट्रेशन जब ज्ञात कर लेते हैं इससे, तो ये जो डस्ट कंसंट्रेशन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग इसकी जो पॉइंट है सैंपल फ्रीक्वेंसी उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, जो सब रेगुलेशन है, वो सैंपल फ्रीक्वेंसी की है दोस्तों। ये जो मैं बोर्ड में लिखा हूं आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, मैं 2 सेकंड के लिए विराम देता हूं, आप क्लिक लेना चाहें तो क्लिक ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लिक ले लीजिए। अब यहां पे तीसरी पॉइंट जो कहती है दोस्तों उस पर आते हैं हम लोग, इसको बता देता हूं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब जो 143 रेगुलेशन है, 143 जो रेगुलेशन है उसका जो सब रेगुलेशन है सैंपल फ्रीक्वेंसी, सैंपल फ्रीक्वेंसी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं सैंपल फ्रीक्वेंसी। ये जो टर्म है सैंपल फ्रीक्वेंसी, यानी सैंपल लेने के इंटरवल क्या रहेगी, सैंपल कितने दिनों के अंतराल में ली जाएगी, ये तीसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग सैंपल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो सैंपल फ्रीक्वेंसी है, सैंपल लेने की जो वो है, वो हम लोग एवरी मंथ में एक बार, वंस इन एवरी मंथ, यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा वंस इन एवरी मंथ या पर मंथ, पर मंथ। पहली तो ये बात याद रखनी है, वंस पर मंथ आपको ये याद रखना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, सिंपल लेने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा। दूसरी दोस्तों कि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मेथड और कोई प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके तुरंत बाद, तो उसके फोर्थ विद जिसको इमीडिएट भी कहते हैं, इमीडिएट आफ्टर क्या सैंपल ली जाएगी दोस्तों, क्या चीज की सैंपल ली जाएगी, डस्ट कंसंट्रेशन की सैंपल ली जाएगी दोस्तों। डस्ट कितनी है पर क्यूबिक मीटर एयर में उसकी सैंपल ली जाएगी, और किससे ली जाएगी दोस्तों, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, एनसीबी एमआरई 113A ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, जो कि स्टैटिक सैंपलर लेती है, या तो फिर जो है सिंप्ड सेफ्टी इन माइंस पर्सनल डस्ट सैंपलर से ली जाएगी, जो कि सीआईएम द्वारा अप्रूव्ड है, जो कि रेगुलेशन में लिख दिया है कि सीआईएम द्वारा वो जो है अप्रूव्ड यंत्र द्वारा ही जो है सैंपल लेने का काम किया जाएगा दोस्तों। यहां पर हम लोग जो है देख लिए कि सैंपल फ्रीक्वेंसी कितनी इंटरवल पर रहोगी। अब यहां पर चौथा नंबर में जो है दोस्तों, मैं यहीं पर चौथे नंबर की जिक्र कर लेता हूं। चौथा नंबर जो है आपको क्या कहता है दोस्तों, वो पोजीशन ऑफ सैंपलर की कहता है, पोजीशन यानी कि किस जगह पर आपको सैंपलर यानी कि सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट, सैंपल लेने वाली इंस्ट्रूमेंट रखी जानी है दोस्तों, उसको हम लोग जो है पोजीशन ऑफ सैंपलर, यहां पर हम लोग पोजीशन ऑफ सैंपलर की बात कर देते हैं, पोजीशन ऑफ सैंपलर। तो पोजीशन कहां रहेगी दोस्तों, तो जो भी अगर पर्सनल डस्ट सैंपलर का यूज कर रहे हैं तो वो पर्सनल डस्ट सैंपलर जो ऑपरेटर है उसके माउथ साइड में,
खास करके जब हम लोग स्टैटिक जब हम लोग एमआरई एनसीबी की बात करते हैं तो डस्ट जनरेटिंग पॉइंट जहां होता है, डस्ट जनरेटिंग पॉइंट पॉइंट के रिटर्न तरफ एक हो गई, जहां जहां भी डस्ट जनरेट होती है, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट होता है दोस्तों, कोल के फेस के पास होता है दोस्तों, ट्रांसफर पॉइंट के पास होता है दोस्तों, ऐसे जगह पर जहां पर डस्ट जनरेट हो रही होती है और उसका जो रिटर्न रास्ता है वहां पर लगाई जाएगी दोस्तों, कौन सी जो डस्ट सैंपलर इंस्ट्रूमेंट है उसको एस्टेब्लिश की जाएगी डस्ट जनरेशन पॉइंट के रिटर्न तरफ। एक बात हो गई। और दूसरी चीज की जब आप लोग पर्सनल डस्ट सैंपलर की बात करते हैं तो वो जो है ब्रीदिंग लेवल, खास करके दोनों ये जो एस्टेब्लिश की जाती है सैंपल ले जाती है, वो ब्रीदिंग लेवल हमारा नाक के लेवल में 1 मीटर रिटर्न तरफ, ब्रीदिंग लेवल के 1 मीटर रिटर्न तरफ, ब्रीदिंग लेवल के 1 मीटर रिटर्न तरफ। और पोर्टल टू पोर्टल सैंपलिंग में हम लोग पर्सनल डस्ट सैंपलर को ऑपरेटर के गले में लटका करके वो पर्सनल डस्ट सैंपलर को रख देते हैं, तो जो कि ब्रीदिंग लेवल की में ही जो है डस्ट को कलेक्ट करता है, तो ये जो है जो वर्कर्स जो एम्प्लॉई डायरेक्ट